जय हिंद स्टूडेंट्स, एनपीएस नई वाले की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्लस वन क्लास का मैथ का एक टॉपिक लेके आई हूँ। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है एंड आपकी प्लस वन क्लास में ही नहीं बल्कि आगे की जो क्लासेज हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाए, जहाँ पे भी आप अपना मैथ सब्जेक्ट खोलेंगे तो वहां पे आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आज आपने यहाँ से बेसिक सीखना है तभी आप आगे टॉपिक पढ़ पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक का नेम है वो है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि सेट्स होते क्या है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है उसको हम सेट बोलते हैं, लेकिन वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब इस वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है यहाँ पे? तो वेल डिफाइंड का मीनिंग है डेफिनेशन शुड नॉट चेंज। डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक जब तक वो डेफिनेशन जाती है तब तक वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इस वेल डिफाइंड का एग्जैक्ट मीनिंग आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। इसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास कि कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वोवल्स हैं उनकी कलेक्शन है, उनकी कलेक्शन हमने ली है। अब हमें ये देखना है कि वेल डिफाइंड बनती है या नहीं बनती, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट तभी बनता है जब वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, तभी हम उसको सेट बोल सकते हैं। लेकिन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं बनेगा। इसलिए जो भी कलेक्शन आपके पास है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या ये वेल डिफाइंड है। तब आपके पास है कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स की कलेक्शन, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पे किसी भी इंसान को पूछिए कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स क्या हैं, तो सबके माइंड में पांच अल्फाबेट आएंगे, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा कोई सिक्स अल्फाबेट नहीं आएगा या कोई तीन अल्फाबेट आपको नहीं बताएगा। यानी कि सभी इंसानों के लिए क्या है, कलेक्शन ऑफ वोवल्स वेल डिफाइंड है, सभी के लिए डेफिनेशन कॉन्स्टेंट है, डेफिनेशन चेंज नहीं होती। तो कलेक्शन ऑफ वोवल्स क्या है? कलेक्शन ऑफ वोवल्स है ए ई आई ओ यू, ये है वोवल्स। यानी कि ये कलेक्शन ऑफ वोवल्स क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी, यानी कि सभी के लिए डेफिनेशन इसकी क्या है, कॉन्स्टेंट है, किसी की भी डेफिनेशन इसके लिए डिफरेंट नहीं है। तो इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं, इस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। तो ये कलेक्शन क्या होगी, सेट बनिए। अब मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल लिखूंगी जो आपको बताएगा कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो सेकंड एग्जांपल अपने पास क्या है वो हम देखते हैं। तो सेकंड अपने पास क्या एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास प्लस वन। प्लस वन क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की कलेक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी सेट, कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट तभी बनेगा जब वो वेल डिफाइंड होगा। यानी कि एक कलेक्शन तो है लेकिन आपने इसको सेट देखना है कि ये सेट बनता है या नहीं बनता, तो उसके लिए क्या चेक करना होता है, वेल डिफाइंड। एंड वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, एक इंसान से दूसरे इंसान तक उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है, जैसे कि मैं आपको मैथ टीच करती हूँ, मैं आपको कहूंगी आपके प्लस वन क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 15 स्टूडेंट ही इंटेलिजेंट हैं। लेकिन जो आपको हिंदी टीच करते हैं वो बोलेंगे नहीं 18 स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, जो आपको इंग्लिश टीच करते हैं वो कहेंगे नहीं ओनली 10 स्टूडेंट ही इंटेलिजेंट है। इसका मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई। यानी कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन प्लस वन क्लास इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये डेफिनेशन चेंज होती चली जाती है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है वो आपका सेट नहीं बन पाएगा, इट इज नॉट अ सेट। तो ये एक सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, तो ये एक सेट नहीं बना। यानी कि आपने भी देख लिया होगा कि इस वेल डिफाइंड का बहुत बड़ा मीनिंग है सेट की डेफिनेशन। तो इस वेल डिफाइंड को समझ लिया, इसका मतलब आपने सेट को समझ लिया। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है नोटेशन फॉर सेट्स।
सेट्स को डिनोट कैसे किया जाता है। तो अभी हमने जो फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसी को मैं आपको बताऊंगी कि उसको एज ए सेट कैसे लिखना है। तो स्टेप वाइज चलेंगे हमें। फर्स्ट स्टेप क्या है कि सेट्स डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, यानी कि बड़ी ए बी सी डी से उसको डिनोट किया जा सकता है। बड़ी ए बी सी अप टू जेड तक किसी भी एलिमेंट से, किसी भी अल्फाबेट से उसको डिनोट किया जा सकता है सेट को। यानी कि हमने जो कलेक्शन ली थी वो कलेक्शन हमने क्या ली थी, कौन कौन से एलिमेंट थे, एक था ए ई आई ओ यू। अब इसको एज ए सेट हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसने क्या कहा है कि सेट डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, यानी कि अल्फाबेट से इसको डिनोट किया। तो इस सेट को मैंने नेम दे दिया ए। ओके, सेकंड इसने क्या कहा है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कि इस टाइप के ब्रैकेट में एलिमेंट्स को इनक्लोज्ड करना है, बंद करना है। तो ये जो इसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। जो सेट के सदस्य होते हैं वही सेट के एलिमेंट होते हैं। तो ये इसको किस में इनक्लोज्ड होगा, ये इस ब्रैकेट में ये इनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट्स मे बी स्मॉल अल्फाबेट, यानी कि एलिमेंट जो सेट के वो स्मॉल अल्फाबेट हो सकते हैं और काउंटिंग नंबर्स, या क्या हो सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स वन से लेके अप टू इंफिनिटी तक कोई भी काउंटिंग। तो अपने पास क्या है, स्मॉल अल्फाबेट्स है, यानी कि कैपिटल अल्फाबेट्स में कभी भी जो सेट के एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उससे तो डिनोट किया जाता है सेट को। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कि जो इसमें एलिमेंट हमने लिखे हैं उनको कॉमा से आपने अलग अलग लिखना है। यानी कि ए फर्स्ट एलिमेंट हो गया उसके बाद कॉमा, ई सेकेंड एलिमेंट हो गया उसके बाद कॉमा, आई थर्ड एलिमेंट हो गया उसके बाद कॉमा, ओ चौथा एलिमेंट है उसके बाद कॉमा, एंड यू आपका फिफ्थ एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, सेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, यानी कि जो कलेक्शन थी आपके पास उसको हमने एज ए सेट कैसे डिनोट किया वो मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले क्या है कि सेट को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। सेकेंड क्या है, एलिमेंट जो वो सेट्स के वो इनक्लोज किए जाते हैं किसमें, इस ब्रैकेट। ठीक है, थर्ड क्या था कि एलिमेंट जो वो सेट के वो या तो स्मॉल अल्फाबेट होंगे या काउंटिंग नंबर्स होंगे। चौथा क्या था, लास्ट वन, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, कि इसको कॉमा से लिखते हैं, यानी कि जब भी आपने सेट को डिनोट करना है, तो ये फर्स्ट आपके माइंड में होने चाहिए कि ऐसे होगा ये। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को शो कैसे किया जाता है। अब तक हमने क्या पढ़ा कि सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। अब सेट के भी टू फॉर्म्स होती हैं, इस वे से इसको शो किया जाता है। तो पहले इसकी फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म, या इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सेकंड क्या है इसकी फॉर्म, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये किस टाइप की फॉर्म है वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये दोनों फॉर्म मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी। देखिए, एक एग्जाम्पल जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, क्या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट में वर्ड्स की कलेक्शन, जिसको भी हमने सेट भी कहा था, एंड सेट में कैसे शो किया वो भी हमने पढ़ा था। यानी कि उसको सेट में कैसे शो किया था, हमने ए उसको नाम दिया था, एलिमेंट थे उसके ए ई आई ओ यू, ये इसके एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये जो आपके सामने मैंने सेट लिखा है ये किस फॉर्म में, ये है टेबुलर फॉर्म में। यानी टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के सभी एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं, सभी एलिमेंट शो किए जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स लिस्ट किए मिलेंगे आपको, एक एक एलिमेंट आपको वहां पे दिखाई देगा। लेकिन जो सेकंड फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, वहां पे एलिमेंट्स नहीं आपको दिखाई देंगे, जस्ट एक आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी कि इस टाइप के एलिमेंट इसमें होंगे, लेकिन एक एक सिंगल एलिमेंट उसमें लिस्ट नहीं किए जाएंगे। बस आपको एक कंडीशन दी जाएगी कि इस टाइप के इसमें एलिमेंट्स है। देखिए, जैसे इसी फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखी जाएगी वो हम देख लेते हैं। देखिए, इसको ए ही नाम दे दिया मैंने, अब मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया,
एंड ये जो मैंने टू डॉट लगाए हैं इसका मीनिंग होता है सच दैट, यानी कि इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे। किस टाइप के? कि एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि इस एक्स पे हमने कंडीशन लगा दी कि एक्स किस टाइप का होगा, इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वोवल्स हैं वो होंगे। यानी कि एलिमेंट हमने यहाँ पे शो नहीं किए, एलिमेंट एलिमेंट हमने शो नहीं किए कि इसमें ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। जस्ट एक कंडीशन दे दी कि ऐसे एलिमेंट इसमें आएंगे, तो ये बन गया आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेकेंड मैंने लिखी है ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। जबकि ये जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपके पास क्या है? टैबुलर फॉर्म। फर्स्ट है आपके पास टैबुलर फॉर्म। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ना नहीं, आपने इसकी डेफिनेशन को समझना है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि टैबुलर फॉर्म में सभी एलिमेंट लिस्ट किए जाते हैं, एक एक एलिमेंट आपको शो किया जाएगा। लेकिन जो सेकेंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, वहां पे आपको एलिमेंट्स पे जो कंडीशन है वो आपको बताई जाएंगी, एलिमेंट्स नहीं शो किए जाएंगे। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि इसका फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा है, अभी एक सेकेंड एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको साफ साफ बताऊंगी कि कैसे इसको टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट जो सेकेंड एग्जांपल है अपने पास वो है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फाइव, फाइव के मल्टीपल्स की कलेक्शन। ये तो हमें पता है कि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि सभी के पास फाइव के मल्टीपल्स की कलेक्शन सेम ही आएगी, सबकी सबके लिए इसकी डेफिनेशन सेम है, कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये कलेक्शन सेट बन जाएगा। अब इस सेट को मैं एक सबसे पहले आपको टेबुलर फॉर्म में लिख के बताऊंगी, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताऊंगी। टेबुलर फॉर्म का मीनिंग आपने पहले ही समझ लिया कि सभी एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, सभी एलिमेंट्स आपने दिखाने हैं कि ये एलिमेंट इसमें आएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको सेट बिल्डर इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखूंगी। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे, क्या बोला इसने, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ फाइव, यानी कि फाइव से स्टार्ट होगा ये, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव, क्योंकि मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने डॉट डॉट लगा, ठीक है, ये हमने डॉट डॉट लगा दी कि अनंत तक ये चलेगा। तो ये हो गए, ये क्या होगी, मल्टीपल्स ऑफ फाइव कलेक्शन को सेट में हम लिख दिया, सेट की कौन सी फॉर्म लिख दी हमने, टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, टेबुलर फॉर्म में इसको हमने लिखा है। अब इसी को, इस कलेक्शन को हमने किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखना है देखिए ध्यान से, क्योंकि साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसके साथ ही साथ हम ये भी समझ लेंगे कि टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए इसी चीज को हमने बड़े ही ध्यान से देखना है कि हमने क्या लिखा है, मल्टीपल्स लिखे हैं फाइव के, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने एक्स लिखना है, एक्स सच दैट। अब इस एक्स पे कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स पे कंडीशन दी होती है, एलिमेंट्स नहीं दिए होते। तो ये एक्स, इस एक्स पे क्या कंडीशन लगा दी कि एक्स इक्वल फाइव एन, फाइव एन का मतलब फाइव के मल्टीपल, फाइव एन का मतलब फाइव के मल्टीपल। ये एन क्या है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया, कैपिटल एन हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड ये चीजें, ये सेट, ये नंबर सिस्टम हम नाइन्थ टेंथ क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा, सबसे पहले एक्स लिखा, एंड एक्स पे कंडीशन लगा दी कि एक्स क्या है, इक्वल फाइव है, फाइव के मल्टीपल है। अगेन हमने इस एन पे कंडीशन लगाई कि एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इस टाइप से हम, ये इसकी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ये क्या होगी, इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। तो बड़े ही अच्छे से हमने इसको समझा है कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट जो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसपे मैं आपको दो नोट बताऊंगी कि उसमें कुछ विशेष बातें हैं, उसको अपने ध्यान में रखना है। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि सेट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म क्या है, तो उनको देखते हुए मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगी। पहली बात कि एक सेट को मैंने लिख दिया, ए सेट लिख दिया मैंने वन टू फाइव, ठीक है।
अब इसी सेट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, इसी सेट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 1 2, इसी सेट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 5 2, इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 2 1। यानी कि आपने क्या समझा इस बात से कि एलिमेंट्स आगे पीछे लिख दे, यानी कि एलिमेंट्स के ऑर्डर्स पे सेट डिपेंड नहीं होता। ये भी एक सेट है, 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 लेकिन ये सभी सेट क्या है, इक्वल सेट है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, सभी सेट इक्वल, एलिमेंट सेम है इसमें, लेकिन आगे पीछे लिख दिया हमने तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसको भी हम सेट बोलेंगे, ये भी वही सेम सेट, ये भी ए सेट ही है, ये भी ए सेट ही है, ये भी ए सेट है, पहली बात ये। सेकेंड क्या है इसमें, सेकेंड क्या है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने क्या लिखने हैं, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, 2 और 3 के आपने मल्टीपल्स लिख रहे हैं, उनकी कलेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये तो वेल डिफाइंड है तो सेट तो बनेगा। तो अब कितने मल्टीपल लिख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो इनफाइनाइट बनेंगे, हम कितने मल्टीपल लिख लेते हैं, 5 मल्टीपल लिख लेते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, हमने कितने लिखे, 5 मल्टीपल्स लिखे 2 और 3 के, 2 एंड 3 के हमने 5 मल्टीपल लिखने हैं, तो इसकी कलेक्शन बनाते हैं क्या, हमने 2 के 5 मल्टीपल 2 4 6 8 10, 5 ही होगी। 3 के 5 मल्टीपल लिखने हो तो 3 6 9 12, तो ये होगी, ठीक है। तो अब ये भी एक सेट है, लेकिन इस सेट को ध्यान से देखिए, इसमें एक एलिमेंट 2 टाइम आया, ये 6, यहां भी ये 6, एक ही एलिमेंट 2 टाइम आ गया, लेकिन ऐसे सेट में नहीं होता। सेट में कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं आता, सभी सिंगल सिंगल टाइम ही आएंगे। यानी कि इस सेट को ऐसे लिखने की बजाय इस सेट को हम क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 3 9 12 15, यानी कि यहाँ पे मैंने 6 सेकेंड टाइम नहीं लिखा क्योंकि 6 यहाँ पे पहले ही आ चुका। तो सेट को जब भी आपने लिखना है तो उसमें एलिमेंट्स को आपने 2 टाइम्स नहीं लिखना, सभी एलिमेंट सिंगल सिंगल टाइम ही आने चाहिए। एंड फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि एलिमेंट आगे पीछे लिख सकते हैं, ये नहीं कि असेंडिंग में लिखने हैं या डिसेंडिंग में लिखने हैं, एलिमेंट्स आप कैसे भी लिख सकते हैं तो वो सेट्स सभी इक्वल ही आएंगे। नेक्स्ट है अपने पास टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने टाइप का होता है। तो पहला इसका टाइप है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, जैसे कि नेम से भी आपको पता है कि फाइनाइट, यानी कि इसमें क्या होंगे, कुछ फाइनाइट होगा, कुछ यानी कि सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट क्या होंगे, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, गिनने योग्य, जिसको गिना जा सके, यानी कि जिस सेट के एलिमेंट गिने जा सकते हैं, जिसको हम काउंट किया जा सकता है, उसको क्या कह सकते हैं, हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ए सेट consisting of finite number of elements is called finite set, यानी कि जिसमें finite elements हैं उस set को हम क्या बोलेंगे, finite set बोलेंगे। जैसे कि example के लिए मैं आपके सामने लिखूं, example लिख दिया, जैसे set लिख दिया 5 10 15, तो ये क्या है, finite set, क्योंकि इसमें 3 ही element हैं। या मैंने set लिख दिया a b c d तो इसमें 5 एलिमेंट है, तो ये भी क्या बन गया, एक फाइनाइट सेट बन गया। सेकेंड टाइप आता है सेट का इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या कहता है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, यानी कि जिस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट हो जिनको गिना ना जा सके। इनफाइनाइट का मीनिंग ही क्या है, अनंत होता है इसका मीनिंग, इनफाइनाइट का मीनिंग अनंत, जो गिनने योग्य ना हो, यानी कि इतने एलिमेंट हो जिनको हम गिन ही नहीं सकते। जैसे कि नंबर सिस्टम में हम जो सेट्स पढ़ते हैं, जैसे n, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि अप टू ऐसे चलता ही जाता है, यानी कि हमें नहीं पता कि कहां पे इसका लास्ट एलिमेंट आएगा। इनफाइनाइट
सेट बोलेंगे इसको, जैसे W सेट हो गया, सेट ऑफ होल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें भी क्या होंगे, ऐसे ही फाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे इसमें क्या आएंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। तो हमने फर्स्ट टू टाइप पढ़े हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, थर्ड इसका टाइप हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप्स ऑफ सेट में नेक्स्ट टाइप है नल, या इसको क्या बोल सकते हैं, वॉइड, या क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट। यूजली हम इसे एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। एंड इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं फाई, PHI, फाई, इस सिंबल को हम फाई बोलते हैं। एम्प्टी सेट कैसे हुआ, इसका एग्जांपल जैसे ही, इसके एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि आपने एक ऐसा, एक ऐसी आपने संख्या लिखनी है, एक ऐसा होल नंबर लिखना है जो कि 7 से तो बड़ा हो, 8 से छोटा हो। तो 7 से बड़ा, 8 से छोटा, 7 एंड 8 के बीच में कोई होल नंबर नहीं आता, इसका मतलब जो कलेक्शन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, एम्प्टी आ जाएगी। ये सेट का हमने ब्रैकेट्स बना दिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, इसको एम्प्टी ही लिख दिए। या तो आप इसको ऐसे लिखो, या क्या लिख सकते हो आप इसको, ये सिंबल बना सकते हो कि ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइप आपके पास सिंगलटन सेट, जैसे कि नेम से ये सिंगलटन सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, एक सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट होता है, उस सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो जैसे मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स जो कि 7 से तो बड़ी होनी चाहिए, 9 से छोटी होनी चाहिए, तो 7 से बड़ा, 9 से छोटा होल नंबर कौन सा आता है, 8। 7 से बड़ा, 9 से छोटा होल नंबर कौन सा आ जाएगा, 8। तो इसमें क्या है, अकेला सिंगल एलिमेंट, अकेला एलिमेंट क्या है, इसका मतलब इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ सेट है वो है इक्वल सेट्स, एंड इससे नेक्स्ट जो टाइप है वो है इक्विवेलेंट सेट। इन दोनों का नेम भी सेम है, इनकी डेफिनेशन भी थोड़ी थोड़ी सी सेम है, लेकिन इसको बड़े ही ध्यान से समझना है क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन उसको समझना बहुत ही एक नाजुक सा डिफरेंस है, उसको समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि दोनों कोई इक्विवेलेंट सेट पूछ ले आप, इक्वल सेट की डेफिनेशन लिख दो या इक्वल सेट की डेफिनेशन को अपने माइंड में सेट करके वो एग्जांपल आप लिख दो तो वो गलत हो जाए, तो इसको बड़ा ही ध्यान से समझना है आपने, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट हमने ले लिए ए एंड बी, और सेट टू भी इक्वल, उनको इक्वल कब बोलेंगे, इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, यदि उसमें क्या हो, सेम एलिमेंट्स हो, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में हो, बी के सभी एलिमेंट्स ए में हो, तभी उन सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल, हमने ए सेट डिफाइन किया, ए सेट में एलिमेंट आ गए 1, 7, 2, ठीक। एक बी सेट मैंने डिफाइन किया तो बी सेट क्या आ गया, 2, 1, 7। तो देखिए इसमें एलिमेंट सेम है, 1, 2, 7 ही एलिमेंट इसमें, 1, 2, 7 एलिमेंट की इसमें एलिमेंट्स सेम है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए सेट इक्वल टू बी, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट देखो, टू सेट्स ए एंड बी और सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनमें क्या होनी चाहिए, काउंटिंग में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है। क्या है कि काउंटिंग में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम ही होने चाहिए, ठीक है। देखिए एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, ए सेट मैंने डिफाइन किया, ए सेट क्या लिखा, ए बी सी लिख दिया, एंड बी सेट मैंने डिफाइन किया, बी सेट लिख दिया 1, 2, 5। देखो काउंटिंग में एलिमेंट सेम है, तीन ही एलिमेंट इसमें, तीन ही एलिमेंट इसमें,
तीन ही एलिमेंट इसमें, तीन ही एलिमेंट इसमें, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें एलिमेंट है 1 2 5। तो ए सेट इज इक्विवेलेंट टू बी। तो इक्विवेलेंट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इक्विवेलेंट का सिंबल ये वाला होता है, ठीक है, ये होता है सिंबल, ये सर्कल नहीं लगाते इस पे, ये वाला सिंबल होता है इक्विवेलेंट का, है इक्वल का ये वाला सिंबल जो यूजली यूज होता है। तो ए एंड बी को इक्विवेलेंट कब करेंगे, जब उसमें एलिमेंट्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि काउंटिंग में एलिमेंट सेम हो। लेकिन सेट्स को इक्वल कब बोलेंगे, जब एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए। तो ये हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेट। नेक्स्ट मैं आपको एक छोटा सा नोट बताने वाली हूँ, तो नेक्स्ट मैं आपको एक नोट बताने वाली हूँ जिसमें मैं आपको दो बातें बताऊंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.1 आज के बेसिक कॉन्सेप्ट से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आपने अपने डाउट लिखने। इस वीडियोस के बाद इसका सेकेंड पार्ट आएगा जहां पे हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन भी देखेंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे। तो जो नोट मैं आपको बताने वाली हूँ वो देखिए, फर्स्ट इसमें क्या है, एक सिंबल बनाऊंगी, ऐसे मैंने सी बनाया, उसको बीच में से ऐसे कटेंगे, ठीक है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, इसमें यही सिंबल बनाना है आपने, उसको ऐसे कट कर देंगे, तो इस सिंबल को क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स। ये क्या है, बिलोंग्स। अब इनका मीनिंग क्या है, ठीक है, पता लग गया कैसे बनाना है सिंबल एंड इसको क्या नाम दिया है। इसको बोलते हैं बिलोंग टू, इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। बिलोंग टू मतलब को ये बिलोंग्स हो गया, ये बिलोंग का सिंबल हो गया, डज नॉट बिलोंग का सिंबल हो गया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए एक सेट मैंने डिफाइन किया ए 1 2 5 7, ठीक है, ये इसमें इतने एलिमेंट। अब क्या लिखेंगे, मैंने लिखा टू बिलोंग्स ए। सबसे पहले तो सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो इस सेट में है, कोई भी, जैसे यहाँ पे टू इस सेट में है इसलिए हम इसको बोलेंगे बिलोंग्स, ठीक है। मान लो मैं लिखूं 9 लिखना चाहूं तो 9 क्या लिखूंगी, डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि बिलोंग किसके लिए यूज होता है, उस एलिमेंट के लिए जो सेट में है। तो क्या लिखा मैंने, टू बिलोंग्स ए, क्योंकि टू इस सेट में है। एंड डज नॉट बिलोंग किसके लिए यूज होता है, उस एलिमेंट के लिए जो सेट में नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 9 इस सेट में नहीं है। तो ये सिंबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग बिलोंग्स होता है, इस सिंबल का मीनिंग बिलोंग्स यानी कि एलिमेंट सेट में होता है, तब उस एलिमेंट के लिए हम लिख सकते हैं कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट। एंड डज नॉट बिलोंग का मीनिंग क्या होता है, कि ये एलिमेंट उस सेट में नहीं है, दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन पे आएंगे। तो कीप वॉचिंग एनपीएस नोया वाली, थैंक यू सो मच।